बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा स्टूडेंट्स, हम लोग आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ये टॉपिक तमाम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और हर वो स्टूडेंट जो इस वक्त एमडी कैट की प्रिपरेशन कर रहा है उसके लिए भी ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कि प्रीवियस ईयर्स में अगर आप देखें, पास पेपर क्वेश्चंस देखें, तो एमडी कैट में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो ये टॉपिक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग डिफरेंट रूल्स, डिफरेंट प्रिंसिपल के तहत पढ़ते हैं। पहला प्रिंसिपल जो सबसे अहम है और सबसे ज़्यादा पढ़ा जाता है वो है ऑफ बॉ प्रिंसिपल, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी सबसे ज़्यादा होते हैं। इसी तरीके से हम लोग डिस्कस करते हैं एन प्लस एल रूल। वी ऑल्सो डिस्कस अबाउट हंड्स रूल। एंड पॉलीज प्रिंसिपल, इन चार टॉपिक्स को हम लोग डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के डिस्कशन में। लेकिन जब हमें कोई क्वेश्चन ऐसा मिलता है कि जिसमें ये कहा जाए कि हमें किसी एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन करनी है, तो इसका मतलब ये है कि वी विल फॉलो द ऑफ बॉ प्रिंसिपल, एंड विद रिस्पेक्ट टू द ऑफ बॉ प्रिंसिपल हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे होते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स की। ऑफ बॉ प्रिंसिपल की बात की जाए तो ऑफ बॉ प्रिंसिपल में हमें पढ़ने के लिए सबसे पहली बात जो मिलती है वो बात यह है कि जब भी इलेक्ट्रॉन्स को आप ऑर्बिटल्स में फिल करेंगे तो विथ रिस्पेक्ट टू देयर एनर्जी फिल करेंगे, यानी जिस ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी इलेक्ट्रॉन पहले वहाँ पे प्लेस किया जाएगा, और जब वो कम्प्लीटली तौर पे फिल हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग उससे ज़्यादा एनर्जी वाले ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे। तो हम इस तरीके से कह सकते हैं कि ऑफ बॉ प्रिंसिपल एक्सप्लेन्स दैट इलेक्ट्रॉन्स विल बी एकोमोडेट इन द ऑर्बिटल्स विथ रिस्पेक्ट टू देयर एनर्जीज और एनर्जीज के असेंडिंग ऑर्डर में इसको पढ़ा जाएगा, यानी कि जिसकी एनर्जी कम है उसको पहले फिल किया जाएगा, लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स विल बी फिल्ड फर्स्ट। ठीक है, अब ऑफ बॉ प्रिंसिपल के लिए, ऑफ बॉ प्रिंसिपल्स में हमें एक सीक्वेंस मिलती है और उस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हमने इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना होता है। वो सीक्वेंस क्या है? अगर उस सीक्वेंस को देखें तो सीक्वेंस इज लाइक
उस सीक्वेंस को बनाने के लिए हम एक आसान सा मेथड करते हैं उसको याद रखने के लिए, कि हम एस सबशेल जो है उसकी पहले सीरीज बनाए 1 टिल 7, फिर पहले और आखिरी के एक जो ऑर्डर है उसको एलिमिनेट करके पी की सीरीज बनाए, तो ये हो गया 2p 3p 4p 5p 6p। इसी तरीके से पहले और आखिरी को एलिमिनेट करके अगले सबशेल यानी डी की सीरीज बनाए, और इसी तरीके से पहले और आखिरी को एलिमिनेट करके एफ की सीरीज। अब यहाँ पर ये देखा जाएगा कि इलेक्ट्रॉन पहले 1s में जाएगा, पहले इलेक्ट्रॉन 1s को फिल करेगा, जब इलेक्ट्रॉन 1s को कम्प्लीटली तौर पर फिल कर चुका होगा तो फिर इलेक्ट्रॉन्स 2s में फिल होना शुरू होंगे। जब 2s कम्प्लीटली तौर पर फिल हो जाएगा तो फिर इलेक्ट्रॉन 2p में जाएगा, और 2p फिल होने के बाद इलेक्ट्रॉन 3s में जाएगा, 3s के फिल होने के बाद इलेक्ट्रॉन जाएगा 3p में, 3p फिल होने के बाद 4s में, 4s फिल होने के बाद कहाँ जाएगा 3d, 3d के बाद 4p, 4p के बाद 5s, द 5s भी कम्प्लीटली तौर पे फिल हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे 4d में, 4d के बाद 5p, 5p के बाद 6s, और जब 6s कम्प्लीटली तौर पे फिल हो जाएगा तो हम लोग इलेक्ट्रॉन पहले डालेंगे 4f में, फिर इलेक्ट्रॉन 5d में जाएगा, 6p में जाएगा, 7s में जाएगा, और इसी तरीके से आगे कंटिन्यू भी रहेगा। तो इस तरीके से हम इस सीक्वेंस को इजीली याद रख सकते हैं। तो सीक्वेंस हमारे पास बनी क्या, कि सीक्वेंस हमारे पास आती है 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p एंड देन 7s। अब इसमें एनर्जी की बात करें तो 1s के मुकाबले में 2s की एनर्जी ज़्यादा होगी, 2s के मुकाबले में 2p की, इस तरीके से ये एनर्जी का ऑर्डर भी यूं बनता जाएगा। कि इलेक्ट्रॉन पहले 1s में क्यों जा रहा है, क्योंकि 1s की एनर्जी कम है एज कम्पेयर टू दी 2s। 1s जब तक कम्प्लीटली तौर पर फिल नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल भी कोशिश नहीं करेंगे 2s में जाने की, 2s जब कम्प्लीटली तौर पर फिल हो जाएगा तो उसके बाद इलेक्ट्रॉन अगर बचे होंगे तो वो 2p में जाएंगे। अब ये जब तमाम हमने सीक्वेंस मेंशन किए 1s 2s 2p 3s 3p 4s, ये तमाम सब शेल्स हैं, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सब शेल एंड ऑर्बिटल्स। तो सबशेल्स के रिस्पेक्ट से अगर देखें तो एस सबशेल की जो मैक्सिमम एकोमोडेशन होती है वो होती है फॉर 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को एकोमोडेट कर सकता है। पी सबशेल की मैक्सिमम एकोमोडेशन होती है फॉर 6 इलेक्ट्रॉन्स, पी के बाद आपके पास आता है डी, डी में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स, डी के बाद एफ, एफ में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे 14 इलेक्ट्रॉन्स। दिस इज द मैक्सिमम कैपेसिटी फॉर ऑल दीज सबशेल्स। तो फॉर एग्जांपल आप इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग वे कॉन्फ़िगरेशन करना शुरू करते हैं अगर, तो ये सीक्वेंस आप लोग के सामने है, आइए कॉन्फ़िगरेशन करें। फॉर एग्जांपल मैं करूँ कॉन्फ़िगरेशन हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किस में जाएगा 1s में, और 1s में जो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा उसको इस तरीके से लिख देंगे 1s में, और ये एक इलेक्ट्रॉन गया और इलेक्ट्रॉन्स ख़त्म होगा, ये कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट होगी। अगर हीलियम की बात की जाए जिसका एटॉमिक नंबर 2 है, तो एटॉमिक नंबर 2 से क्या मुराद है कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों भी कहाँ जाएंगे, ये 1s में ही जाएंगे, 1s में इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो 1s
टू होगी। फिर अगर मैं कहूँ भाई लिथियम, तो लिथियम में एटॉमिक नंबर 3, तो यहाँ पे 1s में भी इलेक्ट्रॉन जाएंगे और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन जाने के बाद ये हो जाएगा कम्प्लीटली फिल्ड, तो वो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे रिमेनिंग 2s में, तो ये हो गया 1s2, 2s1। फिर बेरिलियम की बात करें एटॉमिक नंबर 4, तो हमने लिखा 1s2, 2s2। बोरॉन का एटॉमिक नंबर होता है 5, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो गई 1s2, 2s2। अब पी में इलेक्ट्रॉन गया लेकिन बोरॉन में से 5 इलेक्ट्रॉन थे, तो 5 में से 2 यहाँ चले गए, 2 यहाँ चले गए, एक बचा था वो यहाँ पे। ठीक है, जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना वो फिल किए जाएंगे, जैसे कि जिद आ जाती है कि भाई P6, 1s2, 2s2, 2p6, ऐसा नहीं है, जितने इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं उनको फिल करें। बोरॉन के बाद कार्बन, तो कार्बन एटॉमिक नंबर 6, तो योग्य 1s2, फिर दो इलेक्ट्रॉन 2s में गए 2s2। अब देखें कितने इलेक्ट्रॉन्स फेल हो चुके हैं, 4, अब कितने बचे, 6 में से 2, तो योग्य 2p2। अगर मैं कहूं कि भाई नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन करें तो ये हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p3। अगर ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन करें तो ये हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p4। इसी तरीके से बात आगे चलती रहेगी। फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9, ये हो गया 1s2, 2s2, 2p5। नियॉन की बात करें जिसका एटॉमिक नंबर 10 होता है, 1s2, 2s2, 2p6। अब देखिए कॉन्फ़िगरेशन करने का क्या तरीकेकार है। कॉन्फ़िगरेशन को अगर आप इस अंदाज से पढ़ें कि कॉन्फ़िगरेशन को आप हायर लेवल की बुक्स पे देखें, तो आप ये नोट करेंगे कि वहाँ पे जो लिथियम की कॉन्फ़िगरेशन होगी ना, वो लिथियम की कॉन्फ़िगरेशन लिखी होगी कुछ ऐसे। यही जो लिथियम है इसको मैं बताता हूँ कि बुक्स में अक्सर ऐसे लिखी होती है कि लिथियम की कॉन्फ़िगरेशन लिखी होती है कुछ है। ऐसे लिखी होगी। इसका क्या मतलब है, कॉन्फ़िगरेशन लिखते वक्त हम लोग नोबल गैसेस का रेफरेंस लिखते हैं। नोबल गैसेस यानी के ग्रुप 8A एलिमेंट्स, ग्रुप 8A एलिमेंट। क्यों? क्योंकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, दे हैव देयर कंप्लीट ऑक्टेट, दैट इज वाई दे यूजली डू नॉट पार्टिसिपेट इन एनी सॉर्ट ऑफ रिएक्शन, इन एनी सॉर्ट ऑफ बॉन्डिंग। तो हम क्या करते हैं कि अपनी कॉन्फ़िगरेशन को आसान करने के लिए हम लंबी चौड़ी कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखते भाई, हमें 1s2 लिखने की ज़रूरत नहीं है। 1s2 की जगह हीलियम का रेफरेंस दिया कि हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1s2 की जगह पे हमने हीलियम मेंशन किया और 2s1 कर दिया। इसी तरीके से आप देखें नियॉन तक जब बात पहुंची तो नियॉन में 1s2, 2s2, 2p6 तक बात हो गई। तब नियॉन के आगे फॉर एग्जांपल मैंने लिखना है सोडियम एटॉमिक नंबर 11, तो मैं ये लिख दूंगा नियॉन, और नियॉन के बाद कितने इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, तो ये होगा नियॉन के बाद कितने इलेक्ट्रॉन बचा, एक, तो मैंने लिख दिया 3s1। अब इससे क्या मतलब है, इससे मुराद ये है कि भाई 10 इलेक्ट्रॉन तक, तो यहाँ तक की कहानियों को ये अक्सर ऐसे किताबों में लिखा होता है, जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स होते हैं वो एग्जाम में ऐसे नहीं लिखेंगे। एग्जाम में आपको कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन की सीक्वेंस मेंशन करनी होगी, यानी कि आप लोगों को अगर पेपर में लिखने के लिए कहा जाएगा तो आप लोग इसको लिखेंगे लाइक द वे 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। आप देखें, खुद आपको आइडिया हो रहा होगा कि इस मेथड से जो आप लोग ग्रुप 8A का रेफरेंस लेते हैं, इससे हमारा कितना वक्त बच जाएगा कि हमने लिख दिया नियॉन 3s1। ठीक है, अच्छा, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए ये बात इस तरीके से भी पढ़ी जाएगी कि हम आपसे, यानी हमसे मुराद एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन में आयंस की कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए कहेगा। फॉर एग्जांपल वो आपसे कह देगा ऑक्सीजन
माइनस टू की कॉन्फिग्रेशन। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? एट। अब एट से मुराद ये है कि इसमें अगर आप ये देखें, ये इसका न्यूक्लियस है और ये इसका पहला शेल है जिसमें कितने हो गए? दो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये हो गए इसमें दो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास आखिरी शेल में कितने हो गए? छह इलेक्ट्रॉन्स, वो मैंने इस तरीके से मेंशन कर दिया। ठीक है, अब ये है कि भाई इसने जो दो इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लिए तो वो दो इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया। अब इसमें ये भी सवाल उठ सकता है, यकीनन आप में से कोई सोच रहा होगा कि भाई ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स बाकी थे उनको मैंने छः इलेक्ट्रॉन बनाए थे ना आखिरी शेल में, तो मैंने इस तरीके से पेयर की सूरत में क्यों नहीं बना, इनको अलग अलग करके क्यों बना? भाई अलग अलग करके बनाने की वजह यह है कि ऑक्सीजन जो होता है, इस ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है माइनस टू। माइनस टू से क्या मुराद है कि इट कैन टू इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। तो ये दो इलेक्ट्रॉन जब गेन करेगा तो इसका मतलब ये कि दो बॉन्ड बना सकते, दो बॉन्ड बना सकते तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ बनाएगा ना। अब ओ माइनस टू, माइनस टू के चार्ज का मतलब इसने दो इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, तो भाई एक इलेक्ट्रॉन फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख दिया और एक इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ पे बना दिया, तो इसके बाद आप देखें आखिरी शेल में कितने हो गए? आठ इलेक्ट्रॉन। अब इस ओ माइनस टू की कॉन्फिग्रेशन कैसे होगी? वन एस टू, टू एस टू, टू पी सिक्स। क्यों? क्योंकि होने इसके पास चाहिए थे, ऑक्सीजन के पास होते हैं इलेक्ट्रॉन्स कितने? आठ, लेकिन O माइनस टू में इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 10, क्योंकि इसने दो इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरीके से लिखूं कि मैं लिखूं क्लोरीन, इसका एटॉमिक नंबर होता है 17, क्लोरीन माइनस। तो भाई क्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन हम लोग किस तरीके से करेंगे कि हमें पता है कि इस क्लोरीन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 17। लेकिन दिस माइनस वन मीन्स कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया है, तो इस वक्त आपने कॉन्फ़िगरेशन कितने इलेक्ट्रॉन्स की करनी है? 18 इलेक्ट्रॉन्स की। तो अब 18 इलेक्ट्रॉन्स की कॉन्फ़िगरेशन हम लिखेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p, कितना? 6। तब आप ये देखें दो दो चार और ये छः, 10 इलेक्ट्रॉन ये हो गए और 8 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, तो टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स की कॉन्फ़िगरेशन हम लोग कर चुके। ठीक है जी, अब आप ये देखें कि ये 1s2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर मैं बुक की रिप्रेजेंट तरीके से बात करूं, ठीक है, अदर देन अपना वो रिप्रेजेंटेशन जो आपने अपने एग्जाम में करनी है, 1s2 मतलब हीलियम, और अगर 2p6 तक बात चली गई तो इसका मतलब है नियॉन तक की कॉन्फ़िगरेशन, और अगर यहाँ तक बात चली गई है तो ये कहाँ पे आ जाएगा? आर्गन पे, क्योंकि आप जानते हैं ना ग्रुप 8a में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन और रेडॉन, जो हमने एक रील भी बनाई थी, जो पिछले दिनों हमने डिस्कस भी की थी कि पीरियोडिक टेबल याद करने के लिए, तो इसमें हम इसको कैसे याद कर सकते हैं ग्रुप 8a को? तो इसके लिए मैंने लिख दिया He never arrived
कराची एक्सप्रेस, फ्रॉम बिल्कुल एक्स्ट्रा है, ठीक है, सिर्फ सेंटेंस बनाने के लिए। रावलपिंडी, या फिर इसको एक और तरीके से मैं अपने स्टूडेंट्स को अक्सर बता देता हूँ कि थोड़ा ठीक है हंसने के मामलात में आ जाता है कि हीलियम और नियॉन को हमने किस तरीके से कंट्रोल किया, ये क्या है, हीना नीना और करीना का एक्सरे रंगीन, हीना नीना और करीना का एक्सरे रंगीन, ये ग्रुप एट है, हमें याद हो गया। तो इस तरीके से आप ये देख रहे हैं, ये है 1s2, ये 1s2 के बाद जो है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, 2s2 2p6 को, ये 3s2 3p6 को, फिर ये आगे कहानी और चलती जाएगी, इस तरीके से हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो भाई बात ये कह रहे थे कि फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स में आप लोगों से आयंस की कॉन्फ़िगरेशन दिखाई जा सकती है, जैसे मैंने आपके इस वक्त ऑक्सीजन की और क्लोराइड आयन की पूछी। तो इसी तरीके से अगर आपसे कहा जाए मैग्नीशियम, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 12 और इसके ऊपर +2 का चार्ज आ जाए, तो भाई एटॉमिक नंबर 12 का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन्स कितने होने चाहिए थे, 12, और इस +2 का मतलब ये है कि इसने दो इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, तभी इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया। तो अब आपने कॉन्फ़िगरेशन कितने इलेक्ट्रॉन्स की करनी है, 10 की। तब इसकी कॉन्फ़िगरेशन करें 1s2 2s2 2p6, ये कॉन्फ़िगरेशन होगी, ठीक है जी। इसी तरीके से अगर मैं आप लोगों के आगे जिक्र करूं फॉर कैल्शियम +2, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20। 20 से मुराद क्या है कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने पाए जाएंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे 20, और इस +2 का मतलब क्या है कि इसने दो इलेक्ट्रॉन लूज किए, तभी इसके ऊपर +2 का चार्ज आया ना, तो ये हो गया 18। इसमें एक बात मैं बताता चलूं कि ये होता क्या है कि भाई +2 का -1 का -2 का चार्ज आता है कि देखें, एक जो एटम होता है ना, इसके सेंट्रल पार्ट को बोलते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में आपका न्यूट्रॉन जो होता है न्यूट्रल चार्ज का, और होता है प्रोटॉन जो होता है पॉजिटिव चार्ज। इसके सराउंडिंग में ऑर्बिट में क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये होते हैं नेगेटिव चार्ज। फॉर एनी एटम एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन क्या बनती है, एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन बनती है कि द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स इन अ न्यूट्रल एटम। किसी भी न्यूट्रल एटम में जितने इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स होते हैं वो उसका एटॉमिक नंबर है। इट मींस कि भी किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद बराबर है। तो इसका मतलब ये है कि जो मैग्नीशियम पर हम कह रहे थे, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है, तो इसमें प्रोटॉन कितने हैं, 12, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 12। अब +2 का चार्ज क्यों आया, तो भाई हमने ये कहा कि इसने दो इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, तो ये हो गए दो इलेक्ट्रॉन लूज करके ये हो गया 10। अब आप ये कह रहे हैं कि ये हो गया -10 नेगेटिव चार्ज की वजह से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, और ये हो गया +12। तो ओवरऑल चार्ज क्या बना, +2। ये न्यूट्रल एटम नहीं रहा, अब ये क्या हो गया, आयन। आयन तो होता यही है ना, आप लोगों को आयन की डेफिनेशन तो याद होगी यकीनन। आयन किसे बोलते हैं, चार्ज स्पीशीज को, चार्ज स्पीशीज विच फॉर्म
बाय दी गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और आयंस की होती है दो टाइप्स, ठीक है। एक टाइप को हम लोग बोलते हैं कैटाइन, जो बनती है बाय दी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और एक टाइप होती है एनायन, जो बनती है बाय दी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी, तो आयंस की जब कॉन्फ़िगरेशन होगी तो हम इस तरीके से देखेंगे कि उसके ऊपर चार्ज क्या है, और उस चार्ज के रिस्पेक्ट से हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, अब मिसाल के तौर पे यार आप लोगों के आगे हमने बात कही कि जो नियॉन होता है, ऊपर बात की ना इसके एटॉमिक नंबर क्या है 10। ऑक्सीजन का अगर -2, जैसे तो इसका एटॉमिक नंबर 8 होता, और फ्लोरीन -1, इसका एटॉमिक नंबर 9 होता। अब ये बात बता रहा हूँ मैं स्पेशली फॉर एमडी कैट स्टूडेंट्स, ये एमडी कैट स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एमडी कैट ई कैट के तमाम स्टूडेंट्स के लिए। ये देखें, मैं पूछूं आप लोगों से फिल वक्त के इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने, आप बोलेंगे 10 है। मैं पूछूं ऑक्सीजन -2 में कितने, आप बोलेंगे 10 है, क्योंकि 8 होने चाहिए थे, 2 इसने गेन कर लिए। फ्लोरीन में पूछूं फ्लोराइड आयन में कितने, आप बोलेंगे भाई 9 होने चाहिए थे, 1 गेन कर लिया होगा 10। तो इन तीनों के पास इलेक्ट्रॉन्स क्या है 10। तो दीज थ्री आर कंसीडर्ड एज आइजो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, दीज थ्री आर कंसीडर्ड एज आइजो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। आइजो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज किन्हें कहते हैं, दोज स्पीशीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये एम डी कैट के स्टूडेंट्स के लिए खास, ठीक है। वैसे तो आपके जो फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं उनको भी ये बात मालूम होनी चाहिए, लेकिन एम डी कैट में ऐसे सवाल अक्सर आपसे पूछे जा सकते हैं, चांसेस बहुत हाई होते हैं कि इस टाइप की क्रिटिकल थिंकिंग रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछते हैं। तो भाई कॉन्फ़िगरेशन का हमारा ये डिस्कशन पूरा चल रहा है। अब कॉन्फ़िगरेशन में देखिए, लास्ट कॉन्फ़िगरेशन हमने कैल्शियम आयन की थी। अगर मैं कैल्शियम एटम की बात करूँ तो कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20, तो ये हो गया 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 4s2, ठीक है भाई। ये आपके पास 10, 18, 20, 20 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ से बात शुरू हो आपके पास किसकी, स्कैंडियम की, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 21। तो ये है बड़ा ख़ास डिस्कशन, क्यों, क्योंकि स्कैंडियम इज अ ट्रांजिशन मेटल, ट्रांजिशन मेटल की भी दो टाइप्स होती हैं। अगर आप लोग पीरियोडिक टेबल को देखें, ट्रांजिशन मेटल होते हैं दो तरीके के, आउटर ट्रांजिशन और एक होते हैं इनर ट्रांजिशन। आउटर ट्रांजिशन अक्सर औकात हम लोग जो डिस्कशन करते हैं उसके अकॉर्डिंग होते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स, और इनर ट्रांजिशन में हमारे पास आते हैं एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स। ये स्कैंडियम क्या है, स्कैंडियम इज एक्चुअली अ आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट, यानी कि ये एक डी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है भाई, अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग देख लेते हैं।
तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या बनी, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और ये हो गया 4s2 और आ गई बात 3d1। इस बात को तो यहाँ तक हम रखते हैं और इंशाल्लाह अभी चूँकि वक्त की थोड़ी सी कमी हो गई है एक वजह की बिहाफ पे, तो इस लेक्चर को हम यहीं पे एंड करते हैं। और ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन है, ये वाले मामला तो इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो होपफुली आप लोग के लिए ये बात बड़ी मज़ेदार सी रही हो, आप लोगों को समझ में आई हो। इस लेक्चर को यहाँ पर एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।